हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश के अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स का फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। मेरा नाम है रवनीत कौर। शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रिसेंटली नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का एक क्राइम डाटा 2021 के लिए रिलीज किया गया। इसमें ये पाया गया कि पूरे कंट्री में 378 केसेस कम्युनल वायलेंस के रजिस्टर हुए। सबसे पहले तो आपको ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है कि 378 केसेस कम्युनल वायलेंस के पूरे कंट्री में रिकॉर्ड किए गए हैं। अब क्वेश्चन है कि इसमें से उत्तर प्रदेश में कितने कम्युनल वायलेंस के केसेस रजिस्टर हुए थे। ऑप्शंस हैं 2, 3, 1 या फिर 8। इसका करेक्ट आंसर होगा 1। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि पूरे कंट्री में कम्युनल वायलेंस के जो केसेस थे वो 400 के आसपास थे, जिसमें से केवल एक ही केस उत्तर प्रदेश में रजिस्टर हुआ था कम्युनल वायलेंस का। तो इसका मतलब ये है कि कम्युनल वायलेंस के इंसिडेंट यूपी में रिड्यूस हुए हैं। मुजफ्फरपुर राइड वगैरह ये सारे जो दंगे थे इनको देखते हुए अगर ये इम्प्रूवमेंट अभी आया है तो इसका मतलब है गवर्नमेंट के द्वारा अच्छे एफर्ट्स लिए जा रहे हैं सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए और वायलेंस के इंसिडेंट को रोकने के लिए। 100 केसेस आपके महाराष्ट्र में रजिस्टर हुए हैं, यानी कि सबसे ज्यादा कम्युनल वायलेंस के केसेस महाराष्ट्र में रजिस्टर हुए हैं। फिर उसके बाद झारखंड है, फिर आपका बिहार है, फिर हरियाणा है। राजस्थान में 5 केसेस रजिस्टर हुए हैं। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो में ये भी रिवील किया गया कि वुमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो उत्तर प्रदेश में क्राइम हुआ करता था उसमें भी काफी रिडक्शन हुआ है। अगर हम पूरे कंट्री से कंपेयर करते हैं उत्तर प्रदेश को साइबर क्राइम के मामले में, तो साइबर क्राइम भी स्टेट में डिक्रीज हुआ है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए, आपको 1 और 2 लाइंस देख के क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स आ सकती हैं, इसलिए ये डाटा की इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है। एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से 18,000 से ज्यादा केसेस 2019 में बच्चों के खिलाफ रजिस्टर थे, जो कि 2021 में केवल 16,000 के आसपास रहे हैं। और इन द सेम मैनर 60,000 के आसपास केसेस वुमेन के रजिस्टर होते थे क्राइम के रिलेटेड, अब वो 56,000 हो चुके हैं। साइबर क्राइम की बात करें तो ये 11,000 केसेस थे साल 2019 में, लेकिन अब इनकी संख्या 8,000 के आसपास हो गई है। और इसी तरीके से अगर परसेंटेज पूछा जाए कि कितने परसेंटेज क्राइम अगेंस्ट वुमेन और चिल्ड्रन रिड्यूस हुआ है, तो वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम हुआ करता था उसमें 6.2% का रिडक्शन देखने को मिला है। चिल्ड्रन के क्राइम में 11.11% का रिडक्शन है और साइबर क्राइम में 22.6% का रिडक्शन देखने को मिला है। रिपोर्ट के हिसाब से बहुत पॉपुलस स्टेट है उत्तर प्रदेश पूरे कंट्री का, तो उत्तर प्रदेश पूरे इंडिया में 28th नंबर पे है इन द क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रैंक जो है क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन उसमें उत्तर प्रदेश 28th है। किडनैपिंग में 36th नंबर पे है। ठीक है, रिपोर्ट के हिसाब से सीरियस क्राइम्स जैसे कि रेप और मर्डर अभी भी कॉन्टिन्यू है स्टेट में, लेकिन जो वुमेन अगेंस्ट क्राइम होता है उसमें जो रैंकिंग है उत्तर प्रदेश की वो 16वीं है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 16वां रैंक है इन द क्राइम अगेंस्ट वुमेन। स्टेट बेसिकली आपका 23rd है इन द मिसकंडक्ट और 24th नंबर पे है मर्डर की रैंकिंग में। ये हम रैंकिंग पूरे ऑल अक्रॉस द इंडिया बात कर रहे हैं, और इसमें 16वें नंबर पे है वुमेन के अगेंस्ट क्राइम होने वाली रैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को हाइब्रिड एनुइटी मोड पे एक जगह पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, इसका अप्रूवल दे दिया गया है। अब ये कौन सी रिवर के पॉल्यूशन को देखते हुए उसको कंट्रोल करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लान लगाया जाएगा जो कि इस हाइब्रिड एनुइटी मोड पे वर्क करेगा। आपके ऑप्शंस हैं राप्ती रिवर, यमुना रिवर, गंगा रिवर या फिर राम गंगा रिवर। इसका करेक्ट आंसर होगा यमुना रिवर। यमुना रिवर के पॉल्यूशन को देखते हुए वहां पे ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हाइब्रिडी एनुइटी मोड से ऑपरेट करवाया जाएगा। इसकी लागत आपको ध्यान रखनी है 583 करोड़। लगभग 170.6 MLD का सीवेज यमुना में गिरता है जो कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के कंस्ट्रक्शन के लिए MOU साइन किया गया है NMCG उत्तर प्रदेश जल निगम और विश्व राज इन्वायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। अग्रीमेंट जो है ये राजकुमार शर्मा जो है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जल निगम के, उन्होंने साइन किया है। ताजमहल जो है आगरा का,
उसको गोल्डी किरोमोनस इंसेक्ट के द्वारा अटैक किया जा रहा है। और ये जो आपका गोल्डी किरोमोनस इंसेक्ट है, ये यमुना के पानी में जो स्वैंप बन चुके हैं उसी से जनरेट हुआ है। तो आप यहाँ ये देख सकते हैं कि यमुना के पॉल्यूशन से किस तरीके से इंसेक्ट जनरेट हो रहे हैं और वो आसपास में यानी कि आगरा के ताजमहल को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और पिछले 4 साल में इंसेक्ट अटैक ताजमहल पे इंक्रीज हो चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने और NGT ने इसके ऊपर खुद से भी फैसले सुनाए, लेकिन यमुना रिवर में जो सीवेज गिरता है वो उससे रुका नहीं। तो गवर्नमेंट अब खुद से एक प्लांट लगाएगी ट्रीटमेंट का, फिर उसके बाद ही यहाँ पे पॉल्यूशन कम होने का बोला जा रहा है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल जी अशोक कुमार जी का कहना है कि जो नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ये बेसिकली यमुना में ट्रीटेड वाटर उसको गिराएगा, ना कि गंदगी को। चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये भी बोला जा रहा है कि 3 नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट धीरे धीरे करके लगाए जाएंगे और पिछले 15 साल में इनका जो इम्प्रूवमेंट है वो बढ़ता गया है। तो होपफुली यमुना में भी अगर ये ट्रीटमेंट प्लांट हाइब्रिड एनुइटी मोड से लगता है तो वो उसके पॉल्यूशन को थोड़ा सा रिड्यूस करेगा और ये जो गोल्डी किरोमोनस इंसेक्ट है इनकी भी तादाद कम होगी। अब इस वाले पैराग्राफ को पक्का ध्यान रख लेना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि गोल्डी क्रिनोमस क्या है। तो ये एक इंसेक्ट है जो कि यमुना के स्वैम्प से ही पनपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द नेशनल टीचर अवार्ड 2022। नेशनल टीचर अवार्ड 2022 में उत्तर प्रदेश की कौन सी पर्सनैलिटी का नाम आया है? ऑप्शंस हैं खुर्शीद अहमद, जुनैद अहमद, कामरान अहमद या फिर अरहान अहमद। आंसर आएगा खुर्शीद अहमद। एक्चुअल में जो मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट की, एजुकेशन मिनिस्ट्री, उनके द्वारा 46 टीचर्स को डिफरेंट स्टेट्स से कंट्री से सिलेक्ट किया गया नेशनल टीचर अवार्ड 2022 के लिए। तो अगर क्वेश्चन हो कि कितने टीचर्स को ये अवार्ड दिया गया 2022 में, तो 46 को। इसमें यूपी के खुर्शीद अहमद हैं। प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये नेशनल अवार्ड सेलेक्टेड टीचर्स को दिया जाएगा, 5 सितंबर 2022 को दिया जाएगा। और इसमें 50,000 रुपया सम है जो कि मिलेगा, इसके साथ साथ सिल्वर मेडल भी टीचर्स को दिए जाएंगे। तो अभी आपका 5 सितंबर भी गुजर चुका है तो ये अवार्ड दिए जा चुके हैं। खुर्शीद अहमद जी की अगर बात करें तो इन्होंने साइंस एजुकेशन में इनोवेशन में काफी अच्छा काम किया है, जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिल रहा है। ये बेसिकली कॉम्पोजिट स्कूल साहवा में देवरिया में टीचर है और इनको बेसिक और सेकेंडरी स्कूल की टीचिंग में इनोवेशन और साइंस एजुकेशन के लिए नियुक्त किया गया, इसी के लिए इनको ये अवार्ड मिल रहा है। टीचर्स डे के मौके पर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और जो लिटरेसी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, वो हर साल नेशनल फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं। 5 सितंबर को टीचर डे मनाया जाता है आपका। यहाँ पे जो भी बेस्ट टीचर्स होते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है। नेशनल अवार्ड्स देने का मेन टारगेट यही है कि जो भी टीचर सोसाइटी में अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हैं अपनी यूनिक टीचिंग स्टाइल के साथ, उन सारे टीचर्स को एक रिस्पेक्ट देना, एक ऑनर देना, क्योंकि वो हमारी स्कूल एजुकेशन को क्वालिटी प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। उनका जो कमिटमेंट है, उनका जो हार्डवर्क है, वो बेसिकली स्टूडेंट्स की लाइफ बदल देता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स की लाइफ एनरिच होती है, तो इसीलिए उनको ऑनर किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर ऑफ स्टेट जो कि जयवीर सिंह है, इन्होंने जर्नलिस्ट को कहा कि प्रयागराज महाकुंभ से पहले क्रूज सर्विस और जो वाटरवे सर्विस है उसको प्रयागराज महाकुंभ में शुरू कर दिया जाएगा। ये किस लाइंस पे होंगी, यानी कि किसको देखते हुए ये आपकी क्रूज सर्विस और वाटरवे की सर्विस शुरू की जाएगी प्रयागराज में? आपके ऑप्शन है नैनीताल को देखते हुए, या फिर ऑन द लाइन्स ऑफ चेन्नई, या फिर वाराणसी या लखनऊ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ लग गया होगा कि प्रयागराज में जल्द ही आपकी क्रूज सर्विसेज और वाटरवेज शुरू होंगे, किस लाइंस पे होंगे? तो ये वाराणसी के लाइंस पे होंगे, यानी कि वाराणसी की तरह ही होगा यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर का नाम ध्यान रखना है। अगर आपने पिछला पार्ट देखा है तो मैंने उसमें डिस्कस किया था कि प्रयागराज रेलवे डिवीजन नंबर 1 पे है, जहाँ पे बहुत हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रेन हाईएस्ट स्पीड के साथ चलती हैं, डिले नहीं होती हैं। ये सब महाकुंभ में और ज्यादा डायरेक्टिव हो जाएगा और बहुत बढ़िया तरीके से महाकुंभ में वहां पे ट्रेन्स की एफिशिएंसी बनी रहेगी। और इसी तरीके से महाकुंभ से पहले क्रूज सर्विस भी टूरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में शुरू कर दी जाएगी। मिनिस्टर जयवीर सिंह का कहना है कि वाटर ट्रांसपोर्ट जो है प्रयागराज से, वो जल्द ही हेलीपोर्ट से शुरू किया जाएगा।
हेलीपोर्ट संगम पे बनाया जाएगा और ये कुंभ से पहले ही कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेस वे ऑलरेडी बन रहा है जो कि प्रयागराज को एक्सेस दे देगा, जैसे कि दिल्ली से अगर कोई लोग आ रहे हैं तो गंगा एक्सप्रेस वे से आ जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट क्रूज ट्रांसपोर्ट को प्रयागराज से वाराणसी तक शुरू करेगी। क्रूज सर्विस ऑलरेडी आपकी वाराणसी में शुरू हो चुकी है, अब ये कहाँ पे होगी, प्रयागराज में। नेशनल वाटरवे 1 जो कि आपका प्रयागराज से हल्दिया तक है, ये जैसे ही आपका पूरा हो जाएगा तो इसमें फ्रीट की सुविधा जो होती है शिप्स के थ्रू वो भी होगी और वाटरवे आपका एक अच्छा जरिया बनेगा फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉमन मैन। मिनिस्टर जयवीर सिंह का ये भी कहना है कि कर्जन ब्रिज जिसको कि रेलवे के द्वारा अनयूजेबल डिक्लेयर कर दिया गया है, उसको टूरिस्ट के लिए एक हेरिटेज साइट के तौर पर डिवेल्प किया जाएगा। अगर हम बात करें कर्जन ब्रिज की, तो गंगा रिवर पे बना हुआ ये ब्रिज था, अब तो इसको अनयूजेबल बोला गया है रेलवे के द्वारा, यूज नहीं किया जाता, लेकिन ये ब्रिज जो है प्रयागराज में गंगा रिवर पे अयोध्या और लखनऊ के बीच में आता है और ये 117 साल पुराना है। कर्जन के नाम से डिक्लेयर होगा, लॉर्ड कर्जन के नाम से है ये ब्रिज। बेसिकली 1905 को खोला गया था, उस टाइम पे अवध और रोहिलाखंड रेलवे जो थे वो इस लाइन को ऑपरेट किया करते थे। रोड ट्रैफिक जो है इस ब्रिज से वो 1905 में ही शुरू हुआ था, लेकिन दिसंबर के मंथ में, और फिर रोड और रेल ट्रैफिक को इस ब्रिज में 1998 में क्लोज कर दिया गया था। तो कर्जन ब्रिज का ये जो कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे, जो कि करंट से रिलेट हो गया, ये एक्चुअल में आपका स्टैटिक में ही जाके पोर्शन कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जिन्होंने ये प्रपोजल दिया है कि बांके बिहारी टेम्पल में भी काशी विश्वनाथ की तरह एक कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं आगरा, मेरठ, लखनऊ या फिर मथुरा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मथुरा। काशी विश्वनाथ को एक कॉरिडोर की तरह डेवलप किया जा रहा है जो कि टूरिज्म और पिलग्रिमेज साइट के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी लाइंस पे हम लोग बांके बिहारी टेम्पल मथुरा में भी कॉरिडोर डेवलप करेंगे। बिहारी जी कॉरिडोर वृंदावन में अगर बनेगा तो ये ठाकुर बांके बिहारी टेम्पल का एक नक्शा बदल देगा और इसके कंस्ट्रक्शन से जो भी डिवोटीज होते हैं उनको नैरो लेन्स से गुजरने का मौका मिलेगा, आजादी रहेगी, वहां पे पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। जो आपका न्यूली कंस्ट्रक्टेड काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है ये बेसिकली इसका एक एग्जाम्पल होगा जिसके बेसिस पे वृंदावन में ये कॉरिडोर बनेगा। काशी विश्वनाथ टेम्पल की अगर बात करें तो ये 5 लाख स्क्वायर फीट पे फैला हुआ है और यहाँ पे 23 बिल्डिंग और 27 कैंपस को कवर किया गया है। 4 बड़े बड़े गेट्स हैं जिससे काशी की ग्लोरी जो है वो और ज्यादा निखर के सामने आती है। इस कॉरिडोर्स में आपके टेम्पल चौक, मुमुक्षु भवन, फिर और पैसेंजर फैसिलिटेशन सेंटर्स, यूटिलिटी बिल्डिंग्स उनको प्रोवाइड किया गया है। महारानी अहिल्या भाई होलकर जी के बाद 1780 में काशी टेम्पल जो है उसको इतना भव्य रूप दिया गया है कॉरिडोर के द्वारा। तो लास्ट टाइम पे ये जो भव्य रूप था ये महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के टाइम पे था। इसके अलावा रामेश्वरम टेम्पल जो कि साउथ इंडिया में है, वहां का कॉरिडोर सबसे लार्जेस्ट है जो कि 400 फीट लंबा है। इसकी जो ब्यूटी है वो बहुत ही कमेंडेबल है। लगभग 12 ज्योतिर्लिंग में से ये एक है, आपको पता होगा। ऑलरेडी यहाँ का आर्किटेक्चर जो है रामेश्वरम टेम्पल का वो बहुत वंडरफुल है, बहुत स्प्लेंडस है, तो ये उसमें और 4 चांद लगाता है जो कॉरिडोर है। और इसकी कॉरिडोर की जो विड्थ है वो 197 मीटर है। तो आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पता है, फिर आपको रामेश्वरम टेम्पल के कॉरिडोर का पता है, तो हो सकता है नेक्स्ट कॉरिडोर हमें मथुरा में ठाकुर बांके बिहारी टेम्पल का देखने को मिले। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कैबिनेट मीटिंग हुई जिसको चेयर किया चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने। इन्होंने कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव किया है कि जो उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो कंट्री की, पूरे देश की पहली नाइट सफारी शुरू करेगा। किस जगह पे पूरे देश की पहली नाइट सफारी शुरू होगी ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस है वाराणसी, लखनऊ, आगरा या फिर मथुरा। आंसर होगा लखनऊ। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कंट्री की यानी कि इंडिया की पहली नाइट सफारी कौन से स्टेट में शुरू होगी, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और यूपी में कहाँ पे होगी स्पेसिफिकली, ये लखनऊ में। टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर जयवर सिंह जी का ये कहना है कि सिंगापुर को देखते हुए ही ये नाइट सफारी शुरू होगी। अब देखिए पूछा जा सकता है कि कौन से कंट्री से हमने ये एग्जाम्पल लिया, तो सिंगापुर से। सिंगापुर में विश्व की नाइट सफारी चलती है, उसी में लखनऊ में भी,
नाइट के सफारी को डेवलप किया जाएगा। कहाँ पे होगी ये? कुकरेल फॉरेस्ट एरिया में, जो कि 350 एकड़ में आपका फैला हुआ है। यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क भी है, उसको 150 एकड़ में बनाया जाएगा नाइट सफारी के लिए। यहाँ पे सेपरेट सफारीज होंगी, जैसे कि टाइगर की, लेपर्ड की, बियर की। लखनऊ के हिस्टोरिक नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन में गार्डन को प्रेजेंट प्लेस में नाइट सफारी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। कुकरेल रिवर जो है, इसको एक रिवर फ्रंट बना दिया जाएगा। टॉय ट्रेन भी आपकी नाइट सफारी में चलाई जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे कंट्री की पहली नाइट सफारी होगी। प्रेजेंट में हमारे यहाँ पे 13 ओपन डे सफारीज होती हैं, लेकिन एक भी नाइट सफारी नहीं है। नाइट सफारी की जो एंट्रेंस होगी उसको ग्रैंड और अट्रैक्टिव बनाया जाएगा। इंटरप्रिटेशन सेंटर, बटरफ्लाई इंटरप्रिटेशन सेंटर भी होगा। इसके अलावा यहाँ पे प्लान्स हैं कि लेपर्ड सफारी जो है वो 75 एकड़ में बनेगी, बियर सफारी 60 एकड़ में बनेगी, टाइगर सफारी 75 एकड़ में बनेगी। वाइल्ड एनिमल्स जो हैं उनको कैटल ग्रिड में ओपन स्काई में रखा जाएगा। सफारी है तो ऑब्वियसली उनको हम ओपन में रखेंगे, इनक्लोजर में नहीं रखेंगे। एक ओपन एयर नॉक्टर्नल जू भी होगा, जो कि केवल रात के टाइम ही खुलेगा। जो रात की सफारी होगी वहां पे एनिमल्स के लिए अलग से अरेंजमेंट होंगे, जैसे कि उनको डिम लाइट दी जाएगी वहां पे, जैसे कि मून की लाइट होती है उसी तरीके से, ताकि उन्हें लगे वो नेचुरल एनवायरनमेंट में है। मॉडर्न थीम पार्क को बिल्ड किया जाएगा टूरिस्ट के लिए, ताकि वो दिन के टाइम अगर आना चाहते हैं तो थीम पार्क देख सकें। वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज होंगी यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे ट्रेन राइड होगी, जीप राइड भी होगी, लोकल गाइड रहेंगे, ठीक है। फिर जो कैनोपी वॉक होता है नेचर के बीच में, कैंपिंग एक्टिविटी, फिर माउंटेन बाइक ट्रैक, वॉल क्लाइंबिंग, ट्री टॉप रेस्टोरेंट, फिर आपका नेचर ट्रेल, फूड कोर्ट, ये सब यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। तो टूरिज्म के परस्पेक्टिव से कुकरेल फॉरेस्ट एरिया को अच्छे से बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सफारी रहेगी रात की, और ये आपका लखनऊ में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इको टूरिज्म बोर्ड के बारे में। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म जो बोर्ड है उसको लखनऊ में हेडक्वार्टर किया जाएगा। इसके चेयरमैन कौन होंगे ये आपको बताना है, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शंस हैं एनवायरमेंट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, या फिर नन ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर इको टूरिज्म बोर्ड के चेयरमैन होंगे, और इको टूरिज्म बोर्ड यूपी में अगर कहाँ बन रहा है पूछा जाए तो लखनऊ उसका आंसर होगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा ये पहला उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का प्रपोजल दिया गया। अब ये हम क्यों बना रहे हैं, नाम से क्लियर है, इको टूरिज्म की फैसिलिटीज देना जो भी टूरिस्ट जा रहे हैं उनको, उसको मैनेज करना फॉरेस्ट सेंचुरीज में, इसके लिए इसको डेवलप किया जाएगा। ये बेसिकली लखनऊ में होगा, सीएम हेड आपके चेयरमैन होंगे। 10 डिपार्टमेंट, टूरिज्म, फॉरेस्ट, आयुष, रूरल डेवलपमेंट, इरिगेशन, अर्बन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, उन सबको बोर्ड में इंक्लूड किया गया है। जो कॉम्पोजिशन है बोर्ड का वो इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड होगा, और इको टूरिज्म एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी। एग्जीक्यूटिव कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि एनवायरमेंट टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करना। इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो ट्रैकिंग, हाइकिंग, साइकिलिंग, कारवा टूरिज्म, सी प्लेन, रिवर क्रूज, ऐसी एक्टिविटीज करवाएगा, एडवेंचर टूरिज्म बेसिकली। इसके अलावा जो होटल्स होते हैं, जो रेस्टोरेंट होते हैं, बैलूनिंग, जंगल कैंपिंग, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको इको टूरिज्म सेक्टर के तौर पर डिवेलप करना, ये भी इसी बोर्ड की रहेगी। तो इसका ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, लोकेशन पूछी जा सकती है सेटअप की, और चेयरमैन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वाटर टैरिफ रूल्स 2022 के बारे में। यूपी कैबिनेट ने रिसेंटली इसको अप्रूव किया है। अब जो वाटर टैरिफ है नए रूल के हिसाब से वो कितने रुपए पर स्क्वायर मीटर होगा ये आपको बताना है, और ये आपको कब देना होगा, अगर आप डेवलपमेंट अथॉरिटीज की स्कीम के अंतर्गत बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं मैप का। तो अगर आपको मैप पास करवाना है स्कीम्स के तहत तो आपको कुछ रुपीज पर स्क्वायर मीटर देने होंगे वाटर टैरिफ के लिए। और आपके ऑप्शंस हैं 30 रुपए पर स्क्वायर मीटर, 20 रुपए पर स्क्वायर मीटर, 40 रुपए पर स्क्वायर मीटर, या 50 रुपए पर स्क्वायर मीटर। आंसर आपका होगा 50 रुपए पर स्क्वायर मीटर देना पड़ेगा वाटर टैरिफ रूल के अंतर्गत। पहले वाटर टैरिफ जो था वो लखनऊ में चार्ज नहीं किया जाता था, ना ही बनारस में, लेकिन अब यहाँ के लोगों को भी पे करना पड़ेगा।
रूल्स के हिसाब से लेआउट प्लान बनाया जाएगा, वाटर टैरिफ को चार्ज किया जाएगा टोटल एरिया ऑफ लैंड के हिसाब से। मल्टी स्टोरी अगर बिल्डिंग होगी तो वहां पे जितना एरिया जितने फ्लोर्स कवर होंगे उस हिसाब से वाटर टैरिफ लगेगा। वाटर टैरिफ जो होगा ये आपका एडिशनल कंस्ट्रक्शन के अलावा आपको पे करना होगा और इसके रेट रिवाइज होंगे जैसे जैसे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स मूव होगा। वाटर टैरिफ जो है वो आपको डेवलपमेंट अथॉरिटी से बाहर पे नहीं करना है, ना ही वहां पे करना है जहां से पानी की सप्लाई नहीं आएगी। रिवाइज मैप जो है उसको सबमिट कर दिया जाएगा, उसके लिए आपको वाटर टैरिफ देना होगा ताकि आपके यहाँ पानी आता रहे। वैलिडिटी पीरियड अगर एक्सटेंड हो जाता है तो टैरिफ उस अकॉर्डिंग से आपका बदल जाएगा मैप के हिसाब से, तो इसलिए इसका वैलिडिटी पीरियड वेरी कर सकता है जैसे जैसे जो कंडीशंस है मैपिंग की वो वेरी करेंगी। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर नवनीत सहकल जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं एमएसएमई डिपार्टमेंट की, उन्होंने कहा है कि सेक्टर वाइज एक स्ट्रेटजी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है ताकि स्टेट की जो इकोनॉमी है उसको हम जितना टारगेट हमने रखा है कुछ ट्रिलियन डॉलर्स का उसको टारगेट कर सके। अब बस आपको ये बताना है कि स्टेट की इकोनॉमी को कितने ट्रिलियन डॉलर्स तक हमने टारगेट किया है बनाने के लिए, जिसके लिए सेक्टर वाइज स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी। ऑप्शंस हैं 2 ट्रिलियन डॉलर का टारगेट है, 3 ट्रिलियन डॉलर्स का टारगेट है, 1 ट्रिलियन डॉलर्स का टारगेट है या 5 ट्रिलियन डॉलर्स का टारगेट है। आंसर आएगा 1 ट्रिलियन डॉलर्स। यूपी गवर्नमेंट ने स्टेट की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन डॉलर तक ग्रो करने का टारगेट रखा है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये समय लग गया होगा सेक्टर वाइज स्ट्रेटजी हम डेवलप कर रहे हैं। 95 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि स्टेट में अभी तक इम्पोर्ट होते हैं यानी कि बाहर से मंगाए जाते हैं, तो अब कोशिश क्या है कि उनको स्टेट में ही प्रोड्यूस किया जाए, तभी तो हम ये टारगेट अचीव कर पाएंगे। चीफ मिनिस्टर के द्वारा रिसेंटली एमएसएमई डिपार्टमेंट को कहा भी गया कि आप उन प्रोडक्ट को मार्क कर लीजिए जो कि स्टेट में इम्पोर्ट होते हैं। अगर हम 2021-22 की बात करें तो 95 ऐसे प्रोडक्ट थे जिनकी लागत 55,000 करोड़ के आसपास थी, जिनको हमने ड्राई पोर्ट्स से यूपी में इम्पोर्ट किया था। इसमें 48 प्रोडक्ट जो थे उनकी लागत 10,000 से 100 करोड़ के बीच में थी। टॉप 10 प्रोडक्ट में अगर बात की जाए कि सबसे ज्यादा इम्पोर्ट उत्तर प्रदेश में किस प्रोडक्ट का होता है, सो सबसे ज्यादा आते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। फिर सेकेंड नंबर पे आते हैं आपके ऑयल्स जैसे कि फिश ऑयल, कैस्टर ऑयल, सोयाबीन ऑयल। फिर थर्ड नंबर पे क्या है, बॉयलर्स, मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर। चौथे नंबर पे आपके हैं प्लास्टिक पैलेट और एल्युमिनियम, आयरन, स्टील, ये सब 5वें नंबर पे इम्पोर्ट होता है स्टेट में। तो ये जो इम्पोर्ट का आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है कि कौन सबसे ज्यादा इम्पोर्ट प्रोडक्ट होता है, कौन सा सबसे कम इम्पोर्ट होता है, वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में से कितने पुलिसमैन को प्रेस्टीजियस अवार्ड के लिए यूनियन होम मिनिस्ट्री ने सिलेक्ट किया है। पूरे इंडिया में से टोटल 151 पुलिसमैन हैं जिनको होम मिनिस्टर मेडल दिए जाएंगे 2022 के लिए। इसमें उत्तर प्रदेश के कितने पुलिसमैन हैं ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं 21, 11, 16 या फिर 10। आंसर होगा 10। 10 पुलिसमैन उत्तर प्रदेश के हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अवार्ड कौन दे रहा है, हो सकता है अवार्ड में आपका डिफेंस मिनिस्ट्री हो, तो आंसर ध्यान रखेंगे होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये मेडल दिए जाएंगे। 28 पुलिसमैन विमेन भी हैं जिनको ये अवार्ड मिलेंगे 2022 के लिए मेडल्स। लिस्ट में 15 पर्सोनल आपके सीबीआई से हैं, 5 आपके एनआईए से हैं, 11 महाराष्ट्र पुलिस के हैं, 10 मध्य प्रदेश और यूपी पुलिस के हैं, 8 केरला के, राजस्थान और वेस्ट बंगाल पुलिस के हैं, बाकी बची हुई स्टेट से हैं। मेडल को कब शुरू किया गया था ये ध्यान रखना है। साल 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस मेडल को स्टार्ट किया था ताकि जो भी पुलिस पर्सोनल अपने इन्वेस्टिगेशन में हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं उनकी एक्सीलेंस को हम लोग रेकग्नाइज कर सके, ऐसे ऑफिसर्स को हम थोड़ी सी सराहना दे सके। इसमें पुलिसमैन को मेडल दिया जाता है जो ऑनेस्टी और डिवोशन के साथ अपनी ड्यूटी करते हैं और इन्वेस्टिगेशन के लिए एक बार सेट कर देते हैं। साल 2018 में यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा 5 पुलिस मेडल पुलिसमैन को दिए गए थे। इस बार संख्या है 151 पुलिसमैन मेडल्स की, ठीक है, और इसमें आपके यूपी में से 10 पुलिस पर्सोनल होंगे। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि कितने मेंबर की टीम डेनमार्क से दीनापुर एसटीपी में इंस्पेक्शन के लिए आई थी और इन्होंने यहाँ में ऑफिशियल निगम जल निगम के ऑफिशियल्स के साथ डिस्कशन किया कि एक टेस्टिंग वाटर की लेबोरेटरी यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच ऑफ दीनापुर में सेटअप करनी चाहिए। तो ये कितने मेंबर की टीम थी जिन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया है कि यहाँ पे एक
टेस्टिंग वाटर लेबोरेटरी होनी चाहिए। ऑप्शंस हैं 5 member team, 3 member team, 8 member team या फिर 7 member team। आंसर होगा 7 member की टीम थी। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये टीम कौन से कंट्री से आई थी, तो ये डेनमार्क से थे। कहाँ विजिट किया था? दीनापुर एसटी में, एसटीपी उत्तर प्रदेश में। सो ये 7 member की टीम को लीड डेनमार्क ने किया था। 140 MLD का जो आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है दीनापुर का, इन्होंने वहां में विजिट किया और फिर वहां की कंडीशंस के बारे में डिस्कशन किया। जल निगम के ऑफिशियल्स का कहना है कि सीवेज जो है उसकी कैपेसिटी है 412 MLD का वेस्ट ट्रीट करना। ये प्लान आपका 2030 तक का टारगेट है कि इतना कैपेसिटी ये हैंडल कर ले। फिर डीजी जो है नमामि गंगे के, उन्होंने कहा कि डेनमार्क के जो लोग हैं वो जल्द ही नई टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पे वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाएंगे। अब इसी लेबोरेटरी में चेक किया जाएगा कि जो वाटर ट्रीट होके आ रहा है क्या वो वाकई ही साफ है, पीने लायक है। वहां पे सीवेज और ड्रिंकिंग वाटर को टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा डेनिश डेलीगेशन के प्रोफेसर्स, इन्वायरमेंटलिस्ट, रिसर्च स्टूडेंट्स भी आएंगे। मिनिस्टर फ्लेमिंग मॉलर जो हैं, इन्होंने कहा कि इंडिया और डेनमार्क ने आपस में इन्वायरमेंट के, रिवर वाटर कंजर्वेशन के मामले में MOU साइन किया है। तो ये जो अग्रीमेंट साइन हुआ है इसी के अंतर्गत डेनमार्क की टीम ने ये विजिट किया। स्मार्ट रिवर लेबोरेटरी जो है इसको वाराणसी में भी सेटअप किया जाएगा, जो कि गंगा के पानी की क्लीनिनेस को चेक करेगी। गंगा मित्र जो रोहित है, उन्होंने कहा कि प्रयागराज से बलिया तक नेक्टर फॉरेस्ट को प्लांट किया जाएगा ऑन द बैंक ऑफ गंगा। ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है स्मार्ट रिवर लेबोरेटरी कहाँ सेटअप होगी, वाराणसी में, कौन सी कंट्री इसमें मदद कर रही है, डेनमार्क, नेक्टर फॉरेस्ट किसके किनारे लगेगा, तो ये गंगा के किनारे होगा। इसमें 15,000 गंगा वाटर प्रोटेक्टर प्रिपेयर किए जाएंगे, 15 जोन, 15 गंगा कोऑर्डिनेटर, 120 गंगा सब कोऑर्डिनेटर, ये सोसाइटीज बनाई जाएंगी जो कि गंगा की सफाई में मदद करेंगी। इसी के साथ आपका ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जल्द ही अगस्त के सेकेंड पार्ट को भी हम लोग कवर करेंगे। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।